गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हो मेरे साथ लाइफ टेल्स। तो आज है डे वन पौंडीचेरी और तो अभी बज रहे शाम के 4। मेरा ऑफिस का काम निपटा के हो गया है, फिलहाल 2 घंटे के लिए फ्री हूं। तो लंच अभी तक मैंने किया नहीं है, तो तानिया को बोला था मैंने कि रेडी हो जाओ, अपन जाएंगे एक साथ लंच करने। तो दोनों तैयार हो चुके हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं किसी एक कैफे में, जिसको तानिया ढूंढ के निकाली है, वहीं पे जा रहे हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ लंच करने। वैसे कहाँ लेके जा रही हो? पता नहीं। नाम क्या था अभी? तो क्या रिसर्च कर रही थी? कैफे क्रेप्स। चलो कोई नहीं, निकलते हैं फिलहाल, भूख लगा बहुत जोरों का। चाबी ले लो। वैसे मैंने आज तक कभी सनस्क्रीन लगाया नहीं था, बट आज जैसे मैं काम के लिए निकला था धूप पे, 2 ही मिनट हुए थे, मैं तो ऑलमोस्ट क्या बोलूँ, समझ जाओ। अभी घर आया, मतलब रूम में आया था, नहाया और फिर तानिया से मांग के थोड़ा सनस्क्रीन लगाया, वो भी जिंदगी में पहली बार, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। फिलहाल अपन जा रहे लंच के लिए। तो फिलहाल चुपती चमचमाती हुई धूप पे गाड़ी रखी हुई है, तो गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो चुकी है, बट ऑप्शन तो है नहीं, चलो चलते हैं। यहाँ पे वैसे फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं और ये रहा हमारी गाड़ी। तो फिलहाल हम लंच के लिए आ पहुँचे रेंडेवू, जो कि वाइट टाउन और पौंडी में है। तो जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है फिलहाल, तो काफ़ी हड़बड़ी में मुझे कार पार्क करके आना पड़ा, क्योंकि इनका क्लोजिंग टाइम अगले 10 मिनट पे किचन बंद होने वाला है, फिर शाम को खुलेगा। तो फिलहाल मैंने दौड़ के आके ऑर्डर कर लिया एंड फिर एक बार खा लूँ, उसके बाद जाके आपको दिखाता हूँ ये वाइट टाउन। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिसमस के लिए इन्होंने डेकोर स्टार्ट किया है। ये तो बर्थडे लंच आ चुका एंड माय फेवरेट ऑलवेज दैट इज अ गोवन कुजीन विद अ कोंकणी टच, दिस इज चिकन, उसको क्या बोलते हैं तानिया, फिर नाम भूल गया मैं, शाकुटी। तो दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट। चलो अभी टूट पड़ते हैं। लंच करके तो निकल चुके हैं, तो फिलहाल मैं हूँ वाइट टाउन पे, तो चलो दिखाते हैं आपको पुरानी फ्रेंच गलियाँ। तो ये पुराने फ्रेंच गली कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों साइड बहुत सारे कैफेज बने हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर है माहौल यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। ये भी एक रेस्टोरेंट है, आगे भी दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर माहौल है। इन्हीं में से एक में आज हमने लंच किया, तो शाम को देखते हैं कहाँ प्लान बनता है आफ्टर ऑफिस। तो हमने लंच किया आज इसमें, विच इज़ कॉल्ड रेंडेवू। काफ़ी सही खाना था जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे गाड़ी मैंने आगे जाके लगा रखी है और फिलहाल शाम के बज रहे मोटा मोटा 4:30 और मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ। यहाँ से लेफ्ट लूँगा तो यू विल गेट द ओशन, तो एक बार वहाँ पे भी घूमने जाएंगे, क्योंकि मेरा काम तो लोगों से मिलना रहता है, तो मैं मिल के फटाक से निकल सकता हूँ, बट तानिया का काम जो है इट्स वेरी ऑपरेशन हैवी, तो वो लैपटॉप छोड़ के नहीं निकल सकती, तो मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ, वो बाद में देख लेगी। एंड यहाँ पे अभी तक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मिला है, अगर मौका मिला तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जितने ट्रैफिक पुलिस एंड पुलिस है उनके जो कैप्स है, दोज आर स्टिल डिज़ाइन डेटेड बैक टू द ब्रिटिश और द फ्रेंच एरा व्हाइल दे वर इन इंडिया। दिखा ऐसे हर गली में ना कलरफुल बिल्डिंग्स है और यहाँ पे आप एक्टिवा हायर कर सकते हो एंड फिर बिंदास घूम सकते हो। तो अभी इसी रास्ते पे सीधा आगे बढ़ते जाऊँगा, तो आगे जाके मुझे ओशन दिख जाएगा मोस्ट। यहाँ पे जितने घर हैं काफ़ी कलरफुल है एंड उनके जो मेन दरवाजे या एंट्रेंसेस है दीज आर वेरी बिग, तो आपको इन गलियों में आके
यू विल नॉट फील समथिंग वेरी क्या बोलता है ग्लिटरिंग. यहाँ पे जो है इट्स वेरी रस्टी एंड विंटेज, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे. और सामने मुझे समुंदर देखने को मिल रहा है. अभी अपन जा रहे हैं उसी की तरफ. लुक एट दिस बिल्डिंग, पीली कलर की बिल्डिंग विथ ओल्ड फ्रेंच आर्किटेक्चर, और साथ में ये पीली ऑटो काफ़ी सही है. तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जिस साइड से मैं जा रहा था इसी के पैरेलली यहाँ पे सागर भी है. तो मैं आते आते आ गया था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इन पुरानी गलियों में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. ऐसा आई मेंट कि इतना साफ सुथरा बीच एंड वेल मेंटेन, और लोग भी जो हैं काफ़ी डिसेंट है, मतलब उपद्रव नहीं मचा रहे, काफ़ी सुंदर है. जो फिलहाल घड़ी में 4:45 बज रहे हैं उसके हिसाब से जो भगवान का नेचुरल लाइट मेरे मुंह पे बन रहा है, दैट इज़ मज़ा आ रहा देख के. तो थोड़ा वॉक ले रहा हूँ क्योंकि तब 6 जब तक बजेगा नहीं तानिया हिल सकती नहीं लैपटॉप छोड़ के. और मेरा आज लाइट डे था, कल थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा, तो आई एम एन्जॉइंग. तो ये जो नज़ारा है, मतलब क्या कहें, द फूड वॉज ऑल्सो गुड. तो आज मेरा जो बर्थडे है काफ़ी अच्छा गया. एंड अभी 2 दिन ख़त्म हुआ नहीं है, अभी तो बाकी है, शाम अभी भी रंगीन है. मतलब वापस उसी कैफ़े की तरफ जा रहा है जहाँ पे तानिया बैठी हुई है, क्योंकि बेचारी को भी अकेले छोड़ गया हूँ, तो वो उसको दुख लग रहा होगा कि मैं घूम रहा हूँ वो घूम नहीं पा रही है. तो उसको भी लेके आते हैं यहाँ पे. एंड इट्स अ नाइस प्लेस. यहाँ पे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है मोस्टली, इसीलिए ट्रैफिक नहीं है. तो इस बैरिकेड, एक सामने बैरिकेड लगा हुआ है, उससे आगे नहीं आ सकते. एंड यहाँ पे एक होटल है जिसका व्यू काफ़ी शानदार है. ऑफ कोर्स इसका पैसे भी पर डे काफ़ी शानदार ही होगा. एनीवेज हमने भी जो रूम लिया है हमारे स्टे के हिसाब से इट्स मोर देन गुड, क्योंकि घूमने जब आते हो रूम में कितना ही रहना है. करेक्ट. तो चलो अब फटाफट चलते हैं. शाम के प्लान का काफ़ी पोपट हो चुका, क्योंकि जो हम गए थे वो काफ़ी बकवास जगह था, मज़ा नहीं आया. तो हम फिर से आए हैं ओल्ड टाउन वाइट कॉलोनी. तो इसी में जो है थोड़ा बहुत रौनक, तो हम आ गए इस पर. फ़िलहाल हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़ोरों का. तो फ़िलहाल वो सामने जो है मैडम सांतेज कैफे एंड रेस्टोरेंट, वहीं पे जा रहे हैं. ऊपर एक शैक जैसा बना हुआ है, तो कुछ ऐसा है, तो जाते हैं ऊपर ही. ऐसा माहौल है ऊपर, पूरा शैक जैसा बना हुआ है. कुछ नहीं मिलने से तो यही अच्छा है. मुझे लगा था कि लोग रहेंगे, बट ये तो पूरा ही खाली है. कल जो है ये जगह काफ़ी भरा हुआ था, तो हमें लगा कि आज भी भरा होगा, बट आज पूरा खाली है. तो हमने अभी 2 वाटरमेलन जूस मंगवाया है. तो थोड़ा बैठते हैं, फिर डिनर का सोचेंगे. और मेरे पीछे ये वाइट टाउन है, तो पीछे जो आप देख रहे हो सब इसमें गोरजेटे लोग रहते हैं, और इनका आर्किटेक्चर भी फ्रेंच इंस्पायर्ड है या फ्रांस इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर है. तो आज का दिन तो मेरा पूरा पोपट हो गया. देखते हैं वो रात को कुछ सही हो पाता है कि नहीं. आज लगता है दिन ही ख़राब है. अभी जो कैफे पे गया था, मंगवाया था स्क्विड कालामारी और स्क्विड फिटर्स, फर्स्ट टाइम तो मिल गए. उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा, सोचा और एक बार मंगवाऊँ, पूछा तो उसका स्टॉक ही ख़त्म था. तो मतलब आज का दिन फुल पोपट, तो दोनों का मूड ही बिगड़ा. अभी आए ये वाला PY कैफे, सुना तो है कि अच्छा ही है, तो एक बार अंदर जाके देखते हैं कैसा है, और एक ट्राई मार के देखते हैं कि दिन को सही कर पाते हैं कि नहीं. यहाँ पे सीढ़ी में नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं, आई डोंट नो हाउ इट वुड बी. बोला ना आज किस्मत साथ दे नहीं रही है. कैफे का शटर खोल के कैफे में बैठ के जब हम घुसे तो बोल रहे हैं कि सर वी आर क्लोज. एक ही सेंगल में क्लोज, जोमेटो में भी लिखा हुआ है कि 11 बजे बंद होता है, और अभी तो 10 भी नहीं बजे.
तो वापस लौट के अभी अपने होटल आ चुका है। आज का दिन बहुत ही बेकार गया, मूड पूरा ऑफ हो चुका है। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, कल सवेरे हम जाएंगे ऑरोविल विलेज। होपफुली कल का दिन अच्छा हो। एनीवेज गुड नाइट, और पसंद आए ब्लॉग्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।